हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। हम 15 अप्रैल 2021 की क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 10 करने जा रहे हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे ध्यान देंगे कि वह यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना सेक्शन लिखेंगे और यहाँ अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है? ये करने के बाद आइए हम अपनी वर्कशीट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है, आइए आज साथ मिलकर कुछ नया और मज़ेदार सीखते हैं। नीचे लिखे इन पंक्तियों को पढ़ते हुए लय में गाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? अब हम ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं और आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। मम्मी की मम्मी को कहते हैं नानी, प्यारी नानी हमें सुनाओ एक कहानी। कहानी में ना हो राजा ना हो रानी, बस हो मम्मी की बचपन की शैतानी, ठीक है? हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? रेखांकित शब्द नानी कहानी व रानी शैतानी, मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ऐसे ही मिलती जुलती समान लय वाले शब्द तुकांक शब्द कहलाते हैं, जिनको बोले जिसे बोलने पे जो सेम लगते हैं, जैसे नानी कहानी रानी शैतानी, एक ही ट्यून है तो सबको बोलने की। जैसे नानी कहानी की एक ट्यून है, रानी शैतानी की एक ट्यून है, तो इनको तुकांक वर्ड बोलते हैं, ठीक है? तुकांक शब्द। आइए हम अपना प्रश्न नंबर 1 करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। उनसे मिलते जुलते समान लय वाले शब्द खाली जगह में लिखिए, ठीक है? वही हमें तुकांक शब्द लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है? तो हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला करा हुआ है जैसे माला जाला, तो सेकंड का होगा अंदर का। सोचो सोचो अंदर का क्या तुकांक शब्द बन सकता है? बंदर, क्या होगा? बंदर, ठीक है? फिर है भालू, भालू का सोचो, भालू का तुकांक। आलू, क्या भालू का होगा तुकांक शब्द? आलू, ठीक है? अब नेक्स्ट है राजा, राजा का सोचो, राजा का तुकांक शब्द क्या होगा? राजा का बाजा, राजा का क्या होगा? बाजा, ठीक है? सिर्फ ये नहीं है कि जो मैंने शब्द इसमें लिखे हैं वही होंगे, और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है? अब हम प्रश्न नंबर 2 कर। आइए बच्चों, अब कोष्ठक में से सही तुकांक शब्द चुनकर इस मज़ेदार कविता को पूरा करते हैं, ठीक है? चलो ये कविता पूरा करते हैं। यहाँ ये कोष्टक में जो दिए गए हैं उनमें से शब्द चुनेंगे हम। फर्स्ट पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। देखो आइसक्रीम वाला आया, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आया का कोष्ठांक वैसे तो दोनों हैं, आ खाया और लाया, बट यहाँ पे लाया, ठीक है? रसीली मीठी और रंगीन, 30 रुपए की वो देगा डैश 3 या चीन, रंगीन, रंगीन का तुकांक 3 है और चीन भी है, तो बट यहाँ 3, क्या 3। आगे, आइसक्रीम का स्वाद सोनू को बहुत भाता है, इसलिए वो रोज़ 3 आइसक्रीम खा डैश है, जाता है या खाता है। यहाँ पे भाता का तुकांक जाता भी हो सकता है और खाता भी हो सकता है, बट इस कविता के हिसाब से हमारा फिट खाता, ठीक है? आज भी वो खिड़की में से चिल्लाया, भैया रुको मैं पैसे लेकर अभी डैश आया या माया। यहाँ चिल्लाया का दोनों दोनों ही वर्ड तुकांक हो सकते हैं, आया भी माया भी, बट यहाँ हमारा फिट बैठ आया, ठीक है? अब हम अपना प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, आइए बच्चों नीचे दिए गए चित्रों के नाम व उनके तुकांक शब्द झटपट लिखते हैं। फर्स्ट तो हमारा दिया हुआ है रेल, रेल का तुकांक हो गया खेल और तेल। ऐसे ही फर्स्ट मोर, इसके तुकांक हम बनाएंगे अभी। इसके तुकांक हो सकते हैं एक तो चोर और दूसरा डोर, ठीक है? ये रहे इसके आंसर। फर्स्ट का आंसर हमें दे रखा है, सेकंड का मोर चोर डोर।
आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये मकड़ी, और मकड़ी का तुकांग हो सकता है ककड़ी, और दूसरा हो लकड़ी। ठीक है, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी, ये तुकांग शब्द हो गए। अब हम तीसरा करते हैं, ये तीसरा है आग। पहले आग लिख लेते हैं, आग, आग का तुकांग शब्द हो सकते हैं, एक होगा नाग और दूसरा हो सकता है राग। ठीक है, हमने सबके तुकांग शब्द बना लिए। अब ऑलमोस्ट हमारी वर्कशीट ख़त्म हो चुकी है। ये सुझाव पढ़ लेते हैं अभिभावकों के लिए। इसमें लिखा है, समान लय वाले शब्दों की सहायता से चार या छह पंक्तियों की स्वरचित कविता बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। ये एक्टिविटी बच्चे अपने पेरेंट्स के संग करेंगे और आते हैं कविता बनाने में। ठीक है, तो हमारी वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सॉल्यूशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।